जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्ना डेयरी फार्मिंग चैनल पर आज फिर से पशुपालक भाइयों को अपनी फर्स्ट टाइमर मुर्रा एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, जो कि 14 तारीख से 10वें महीने में एंट्री कर चुकी है। 14 अक्टूबर से जो है 10वें महीने में जो लग चुकी है। तो जी, नॉर्मल जो डाइट होती है वही डाइट प्लान मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बात करें एक्चुअल में पशु को किस प्रकार की डाइट हमें देनी चाहिए, तो HLDB भी एक सबसे बेस्ट संस्थान आपके सामने है, जहाँ पर ना तो पशुओं को कोई एक्स्ट्रा दूध निकलवाने के लिए कोई सप्लीमेंट, कोई इंजेक्शन वगैरह वगैरह चीज़ें कुछ नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी HLDB की भैंसें, HLDB के बुलों के लोग दीवाने हैं, क्योंकि एक ऐसी जो है दाना उनको उस हिसाब से दिया जाता है भाई जितनी उनके शरीर को आवश्यकता है या जो मिल्किंग के हिसाब से, और फिर भी उसी जो डाइट प्लान के हिसाब से वो भैंसे वो बुल हर एक मायने में सबसे बेस्ट है। तो जी, ये अपने वाली आप देख सकते हैं, अडर मैंने दिखाया है 10वें महीने में, और बात करूँ तो M29 का सीमन इस पर मैंने यूज़ किया हुआ है, जो कि मदर साइड से 14+ है ये मेरी जोटी, और फादर साइड से 18+ है, और M29 का सीमन मैंने इस पर यूज़ किया हुआ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट की जो है एक उम्मीद है। जोटी नीचे से भी अच्छे निकल के आए और रिजल्ट भी अच्छा है, और बाकी जी वो बात है, जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फार्मर्स के साथ छोटी छोटी ये परेशानियां चलती रहती हैं, पशु ब्याने वाला होता है तो ब्याने के बाद भी कई तरह की परेशानियां चलती रहती हैं, तो पशु कई बार उस पीक लेवल पर नहीं पहुंच पाता जहां की हम उम्मीद करते हैं। तो जी, ये आपके सामने है। अगर इसके डाइट की बात करूं तो जी 6-7 तरह का डाइट प्लान मैं इसको दे रहा हूँ, 6ठे महीने से मैंने स्टार्ट कर दिया था, और सबसे बड़ी चीज़ ये जोटी मेरी चर्बी पे नहीं आई, क्योंकि ज़्यादा डाइट अगर हम पशु को देते तो चर्बी पे आ जाती है, लेकिन एक आम का होता है जो पशु चर्बी पे आ जाता वो फिर मिल्किंग पे नहीं आता। तो जी, फर्स्ट टाइमर है वही, जैसे कि छोटी गोडी की जो एक मुर्रा होती है वो करेक्टर्स टेल घुटनों से नीचे वाइट पार्ट है, और जी सींग देख सकते हैं, हाइट के मामले में तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा ऊँची नहीं है, गर्दन की भी लेंथ ठीक है, और आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंटों के चक्कर में ना पड़े, अपने पशु को अच्छे अच्छे से 5-7 तरह के दाने ऐड करके खिला लें, जो मेरे हिसाब से सभी भाई जानते हैं, और मैं दानों के ऊपर वीडियो भी कई बार बनाता रहता हूं, और अपने पशु की ठीक तरीके से केयर करें। बाकी एक प्रॉपर डाइट प्लान जो इसको मैं दे रहा हूं, वो मैं डिलीवरी के बाद आपके साथ शेयर करूंगा, कि मैं ये देखूंगा पहले कि भाई उस डाइट प्लान का रिजल्ट कितना मिला, ताकि मैं आपको बताऊं भी, और फिर आपको भी मेरे को रिजल्ट ना भी मिले हो सकता है, और फिर आपको भी रिजल्ट ना मिले तो उसमें आपका भी लॉस है। तो जी, ये थी एक छोटी सी वीडियो इस चोटी के बारे में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भाई चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की अपडेट जो है मिलती रहे, जो इसका डाइट प्लान है और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में जो आप लोटी निकलवाने वाले प्रोडक्ट देते हैं वो उनके चक्रों में ना पड़े, उससे बेस्ट है कि भाई आप पशु को जिस तरीके से एक पहलवान तैयार किया जाता दंगल के लिए, उस तरीके का डाइट प्लान अपने पशु को दें, क्योंकि अगर सारा फोकस हम डाइट पर कर देंगे और फिर पशु जो है उतना मिल्क नहीं निकाल पाएगा तो वो भी एक लॉस ही है। तो एक जो कि HLDB की अगर हम बात करें, तो HLDB में आप देख सकते हैं हल्के डाइट प्लान के साथ पशु तैयार किए जाते हैं, और फिर भी वो जो भैंसे इतना दूध निकालते हैं, तो उसी हिसाब से चलें, ज़्यादा जो है किसी के बहकावे में ना आए, भाई ये यूज़ करें वो यूज़ करें, और टाइम टाइम पर मैं आपके साथ प्रोडक्टों के बारे में भी जानकारी शेयर करता रहता हूँ। तो जी, ये अपनी जोटी हैं, इसके रिज़ल्ट की बड़ी अच्छी उम्मीद है, और वो भी आपको दिखाए जाएँ अगले महीने में, इसके रिज़ल्ट आप सभी भाइयों के सामने होंगे।